हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर का सलूशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार सूचना का स्रोत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, राष्ट्रीय औद्योगिक स्रोत और राष्ट्रीय रोजगार स्रोत, ये दोनों हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, पिछड़ेपन की पहचान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, स्थानापन्न सेवा के प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, स्वरूप के आधार के अनुसार परामर्श के प्रकार हैं। परामर्श के तीन प्रकार हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, सूचनाएँ रोजगार सूचनाएँ संकलन करने की अप्रमापीकृत विधियाँ हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्धारक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है, सिक्स क्वेश्चन है, एनसीटीई का संबंध है माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण से, प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है, एकल अध्ययन का उद्देश्य होता है, उपर्युक्त सभी, गहन जानकारी करना, उपचार करना, निदान करना, ये सभी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, बोगार्ड्स ने मनोवृत्तियों के प्रकार बताए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है, स्ट्रांग की व्यावसायिक रुचि प्रसूची का प्रकाशन कब हुआ। तो ये 1921 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन है, फ्रायड ने रुचि के दो प्रकार बताए हैं। तो फ्रायड ने रुचि के दो प्रकार बताए हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, सुपर के अनुसार रुचि के प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्टीन है, यह परिभाषा किसने दी, रुचि वह प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव में लग जाती है तो उसमें निरंतर होती है। तो ये परिभाषा दी बिंगम ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, व्यक्तित्व का सही धब्बा परीक्षण है। तो ये प्रक्षेपी परीक्षण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्ल रोजर के सिद्धांत में व्यक्तित्व की मुख्य भूमिका है, सी ऑप्शन, स्व की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसूची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बालक के व्यक्तित्व के प्रकाश को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी किसने वर्गीकृत किया। इसका सही वही बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जुंग ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, 16 पीएफ परीक्षण आधारित है। तो ये कैटल के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT है। तो ये प्रक्षेपी परीक्षण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम इनटू पर्यावरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, आंतरिक यांत्रिक अभियोक्ता परीक्षण में मुख्यतः कितने गुणों को मापा जाता है। तो इसमें मुख्यतः तीन गुणों को मापा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैक एडोरी कला परीक्षण का प्रकाशन कब हुआ। तो ये 1929 में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, सामान्य लिपि की अभियोक्ता परीक्षण प्रकाशित है। तो ये मिनेसोटा में प्रकाशित है, ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सुपर के अनुसार अभियोक्ता की विशेषताएं हैं। तो सुपर के अनुसार अभियोक्ता की विशेषताएं हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 है, किसने कहा अभियोक्ता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करता है। तो ये कहा था ट्रेक्सलर ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा स्थानापन्न सेवा का संबंध छात्रों के अगला कदम उठाने में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रोलिक ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रोलिक ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यवसाय विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। तो यह व्यवसाय का सुव्यवस्थित अध्ययन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है,
अनुसूचित वर्ग को निर्देशन की आवश्यकता होती है। उत्थान के लिए, परिवार कल्याण के लिए, वर्ग उत्थान के लिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, समूह गतिशीलता की अवधारणा को किसने दी? तो ये दी थी कुर्ट लेविन ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, छोटे विद्यालयों के लिए उपर्युक्त संगठन होता है रेखा संगठन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, गिंसबर्ग ने वृत्तिक चयन के मानव जीवन काल के संभावना काल को कितने उपकालों में व्यक्त किया है? तो ये किया गया है 4 कालों में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्षा अध्यापक के प्रमुख कार्य हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, वृत्तिक चयन के निर्धारक तत्व नहीं है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, वेशभूषा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, परामर्श के लिए नैतिक सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं, और इसके लेखक थे डेविड मर्फी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं, 5 उपरीक्षण हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसको बुद्धि लब्ध से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? तो इसे कला में रुचि को नहीं रखा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कला में रुचि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने प्रयुक्त किया? तो ये अल्फ्रेड बिने ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, आप निम्नलिखित आय के स्तरों से प्रशिक्षण योग समूह का आय क्यों चयनित कीजिए? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 50 से 70। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, जब राम की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दोनों का मान 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि का वर्ग होगा, तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो इससे आ जाएगा 10, तो ये होती है औसत, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, औसत। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित परीक्षणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों के प्राप्तांक की व्याख्या दूसरों के साथ तुलना द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बिने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? बुद्धि लब्धि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 44 है, कैटल द्वारा बताए गए विशेषांगों की संख्या है, तो ये 16 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 50 वर्ष के व्यक्ति जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100, तो 16 अपान 50 करेंगे, 50 से 50 दो बार जाएगा, उसका गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रैटनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है, तो ये बुद्धि का मापन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, बुद्धि का त्रियायाम सिद्धांत है, बुद्धि का त्रियायाम सिद्धांत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्रिय विषय वस्तु उत्पाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ये थर्नडाइक ने दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो ये 3 हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसने कहा था? ये कहा था टर्मन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है, कूले का वर्गीकरण है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, समनर ने समूह के प्रकार बताए हैं, तो ये बताए हैं 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, यह कथन किसका है? समूह अनिश्चित संख्या के व्यक्तियों का पारस्परिक संबंधों को कहते हैं, तो ये क्यूबर का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, यह कथन किसका है? समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों से ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ये कथन है माइकावर तथा पेज का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, गाइडेंस सर्विस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है एम्फ्री एवं ट्रेक्सलर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, ये किसकी परिभाषा है? घड़ी में प्रधान, कमीशन मशीन में प्रचक्र, जलयान में यंत्रीकरण का जो स्थान है वही स्थान भी विद्यालय के प्रधानाचार्य का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 50 PC Rain का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57 है, यह कथन किसका है? परामर्शदाता वह जो परामर्श का कार्य करता है, तो जोन्स ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षक छात्रों के निर्देशन में सहायता करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है चिकित्सक कर्मियों द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, आईएलओ का पूरा नाम है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, विवरण निर्देशन के प्रकार बताए हैं, तो ये 10 बताए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, शैक्षिक एवं व्यवसाय नियुक्त पुस्तक के लेखक का नाम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जोन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, परामर्श एवं मनोचिकित्सक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था थर्नडाइक ने, ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था, थर्नडाइक ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, परामर्श की प्रविधियाँ हैं, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, व्यवसाय निर्देशन के जनक हैं, तो ये है फ्रैंक पार्सन, बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, यह परिभाषा किसने, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों की वर्ण एवं उसमें प्रगति करने में सहायता देता है, तो ये कहा था मेयर्स ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, रेतत का कौन सा गुण नहीं है, तो ये अंतर्मुखी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है, परिभाषा किसने दी, तो ये ड्राइवर ने दी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, अनुगामी सेवा का संबंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भावी कार्यों से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, अनुगामी सेवा का मुख्य कार्य है प्रभावशीलता का आकलन करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, कैरियर निर्देशन की प्रविधि है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, मानसिकता मन्यता का मुख्य कारण होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों, वंशानुक्रम वातावरण दोनों होते हैं। इसके बाद 73 का, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं इन सभी, इनमें सभी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 74, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है, तो ये होते हैं साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने उपबोधक को शिक्षक के समान माना है, तो ये जोन्स ने माना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, निर्देशन के नियम नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा ए जोन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, परामर्श की प्रक्रिया के घटक हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, परामर्श प्रक्रिया के प्रकार हैं, तो परामर्श प्रक्रिया के प्रकार हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन उसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, यौन निर्देशन की व्यवस्था की जाती है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, चरित्र धर्म और मूल्यों की समस्या में सहायता करता है, तो ये करता है दोनों, व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है हमारा, व्यक्तिगत निर्देशन सहायक है, तो ये उपर्युक्त सभी में सहायक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, पैटरसन ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं, तो ये 5 बताए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, कैरियर निर्देशन का संबंध होता है, तो ये होता है व्यवसाय निर्देशन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, व्यवसाय निर्देशन में विशेष योगदान है, तो ये है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, व्यवसाय निर्देशन में विशेष महत्व होता है, तो ये होता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है ताकि परीक्षार्थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका उपर्युक्त सभी। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन छूट गया, व्यवसाय निर्देशन में विशेष महत्व होता है, तो ये होता है प्रवर्ता परीक्षण का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, बुद्धि परीक्षण का मुख्य रूप है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियाँ हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, आप प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता है, तो ये उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, निर्देशन का मुख्य प्रकार है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अमेरिका में वोकेशनल ब्यूरो की स्थापना किसने की, तो ये की थी फ्रैंक पार्सन ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, जेरान तथा रेक्सियो के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं, इसका 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, निर्देशन आवश्यक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त, सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, निर्देशन की विशेषता है, तो निर्देशन की विशेषता है उपर्युक्त, सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, निर्देशन एक सहायक प्रविधि है, तो शिक्षण की निर्देशन की प्रशिक्षण की ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त, सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त, सभी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है, तो ये होती है उपर्युक्त, सभी। बाल केंद्रित उद्देश्य, केंद्रित समस्या केंद्रित, उपर्युक्त, सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारे पेपर का सोल्यूशन, आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी तैयारी करवाई जाती है।